हेलो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट लर्निंग अड्डा में स्वागत है। ठीक है, और मैं आपको इसमें बात करूँगा खासकर एयरफोर्स की प्रिपरेशन की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और क्योंकि जितने भी नए एस्पायरेंट्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, और सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन कैसे लें। बिकॉज 7 लाख बच्चों में जो है अपना सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। 7 लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म भरते हैं, 5 से 7 लाख बच्चे, तो इसमें आपको अपने को एक तैयार करना उसके उसके लिए, साथ में ब्लू यूनिफॉर्म पाने के लिए हमेशा तैयार रहना, उसके लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए वो मैं इसमें बात करूँगा। आखिर बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं पाते हैं, 2 साल 3 साल लग गया फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है, इसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी एग्ज़ाम की एक बेसिक जानकारी बताता हूँ। आप तो जानते होंगे आपको एयरमैन बनने के लिए 12th लेवल पर 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला एक ग्रुप एक्स का होता है, दूसरा ग्रुप वाई का होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपको जैसे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आते हैं। ठीक है, इसमें आपका 25 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर का फीस आता है, और 20 नंबर का इंग्लिश आता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 70 और टाइम होता है 1 घंटा। तो इसमें जो है आपका एग्जाम होता है, एक पैटर्न हो गया ग्रुप एक्स का। साथ में अगर ग्रुप आई की बात करूँ तो ग्रुप आई का भी वैसा ही होता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं रगा की और 20 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश की, तो 50 क्वेश्चन वहाँ भी रहता है और टाइम रहता है आपका आधा घंटा। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है, दो चीज़ हैं। अच्छा, उसके बारे में बात करूँ तो जैसे आपका दोनों एग्ज़ाम होता है, तो दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो है आपको अलग अलग सोर्स का पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको अगर इंटरेस्ट है टेक्निकल काम करने में तो आप ग्रुप एक्स भरते हैं। ठीक है, और आपका काम है अगर नॉन टेक्निकल करने में, ऑफिसर काम करने में, तो आप ग्रुप वाई का लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रुप एक्स के लिए, तो इसके लिए कुछ मैं बेसिक बुक आपको बता दे रहा हूँ, जिस बुक आपको फॉलो करना है। आपको बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैं जो बुक बता रहा हूँ बस वही बुक पढ़िए, उसी बुक को पढ़कर मैंने भी सब कुछ क्वालिफाई किया है। ठीक है, और आज मैं एयरमैन बनने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन टीचरों का जिन्होंने मेरी सहायता किया, जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जहाँ से मैंने सहायता ली, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। लेकिन पहले बताता हूँ बेसिक कुछ बुक्स हैं जो आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस करती है इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे बात करता हूँ ग्रुप एक्स का, तो ग्रुप एक्स के प्रिपरेशन के लिए आप फीस के लिए लूसेंट का बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, और साथ में ग्रुप एक्स का अगर आप मैथ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लूसेंट का बुक आती है, वो बुक आप ले लीजिए, सबसे बेस्ट है, मार्केट में भी सबसे अच्छी है। और उसके बाद से मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी अगर आपका इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लगता है कि मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, तो आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं, और वो बहुत बेस्ट बुक है। तो मैं जो भी बात करूँगा आप एक ही पब्लिकेशन का 3 बुक लीजिए, जो मैंने अभी बताया, लूसेंट का फीस लेना है, लूसेंट का मैथ्स लेना है, और लूसेंट का आपको इंग्लिश लेना है। आप मुझे कहेंगे तो मैं उसका बुक का फ़ोटो भी आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। और ऐसा कोई बुक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, जनरली किसी भी स्टोर पर बुक ये उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चूँकि आजकल ऑनलाइन इंटरनेट का ज़माना है, तो आप चाहते हैं कि हम प्रिपरेशन ऑनलाइन करें तो वो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप मैं कुछ चैनल बता रहा हूँ, देखिए यूट्यूब पर जब आप सर्च कीजिएगा ना एयरफोर्स का तैयारी कैसे करें, तो 1000 वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, आपको सबको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिसगाइड भी करते हैं, तो मैं जिस टीचर से पढ़ा था उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने फीस प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, जो इंडिया में शायद उनके अच्छा पढ़ाने टीचर और कोई नहीं है, जो कि बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, उनका नाम है RS सर। ठीक है, रामस्वरूप गोस्वामी, तो उनका नाम है, ठीक है, रामस्वरूप जैनी। ठीक है, रामस्वरूप जैनी नाम है, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं RS सर से, वो फीस का बेस्ट टीचर है। उनका देखिए क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगा, और साथ में जो अनअकैडमी ऐप है वहाँ भी वो क्लास कराते हैं, तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है, वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैथ पर, तो मैथ्स के लिए जो है मयंक सर, जो उनका भी एक बहुत अच्छा चैनल है, तो उसे आप वहाँ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्पेशली मैथ के बहुत बेस्ट टीचर हैं, और बहुत बार तो इन दोनों टीचर से पढ़ाए गए सेक्शन से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसलिए इनका नोट्स आप जरूर बनाएं, और साथ में इनसे आप और इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए देखिए इंग्लिश के लिए बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मैं आपको सर्च करूँगा 2 टीचर का। पहला तो एक नीरज शर्मा, ठीक है, जो बहुत बेस्ट इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब में क्लासेस भी देख सकते हैं, और साथ में एक और टीचर है, आपको जो अच्छा लगे दोनों का वीडियो देख लीजिए, और जो आपको अच्छा लगे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। वो है कैडेट डिफेंस अकेडमी देहरादून, वहाँ की टीचर हैं, उनका नाम है संजीव सर, वो बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। और साथ में एक और फ़ायदा है उनसे पढ़ने से कि आपका फेस टू का भी पोर्शन है वो लगभग क्लियर हो जाता है, बिकॉज उनका कंसेप्ट भी एक अलग तरीके से पढ़ाने का है, तो आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगा वहाँ से। ठीक है, जो पहली बात की आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे, साथ में फेस टू में आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे।
तो ये कुछ सोर्स थी जो हमको मैं आपको बताया। आपको अगर प्रिपरेशन करना है अच्छे से, अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम में क्रैक करूँ एयरफोर्स का, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें। अगर आप सीएस एस्पायरेंट्स हैं, देखिए ऐसे तो टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत समय आप वेस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि देखिए अपने से अनुभव करके ज़िंदगी जीने के लिए समय बहुत कम होता है, इसीलिए कभी भी जो दूसरे जो सफल लोग हैं उनको उनकी बातों को हम फॉलो करते हो, हम उनसे सीख कर हम लोग अपने लाइफ में जल्दी सफल हो सकते हैं। तो मैंने जो जैसे बहुत लोग हैं जो गलतियां बहुत सारी करते हैं, लेकिन मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया और जिसको मैंने प्रीफर किया, मैंने आपको उसको बता रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको भी बेनिफिटली बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो आप इसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बनाकर इसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो। और मैंने आपको इसमें बेसिक बुक बताई है और साथ में ऑनलाइन कंटेंट बताया कि ऑनलाइन आपको पढ़ना कहाँ से और क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर इसके बाद मैं कुछ बताऊँ, अगर आप डेली 5 से 6 घंटा भी देते हैं ना एयरफोर्स एग्जाम के लिए, ग्रुप्स के लिए, तो बेस्ट है। साथ में बात करूँ ग्रुप वाई का, तो ग्रुप वाई का भी देखिए एक रिसेंट का एक बुक आता है रागा का, वो आप ले लेंगे, और इंग्लिश का मैंने तो बता ही दिया रिसेंट का, ठीक है। तो ये दो हो गया ग्रुप वाई के लिए। अगर आप ग्रुप वाई भी पढ़ते हैं साथ में, तो इस दो बुक से भी आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हुई प्रिपरेशन करने की एयरफोर्स की। ऐसा करते अच्छा लगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए। जय हिंद।